हेलो एवरीवन, दिस इज वेलकम। आई करेंटली एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग। सो गाइस, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि कुछ ही मतलब सेलेक्टेड कैटेगरी के लिए बताया था कि क्या कट ऑफ होने वाला है इस साल महाराष्ट्र स्टेट का। बट इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या कट ऑफ जाने वाली है MBBS की फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए। बस उससे पहले मैं वीडियो में बता दूं कि आप मैसेज वगैरह करते हैं कि तो सबको रिप्लाई करना ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम वगैरह भी चलते रहता है। सो अगर आपको कुछ डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है काउंसलिंग के रिगार्डिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या फिर एडमिशन कैसे लेना है, तो ये सब की मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड इमरजेंसी में अगर आपको कुछ भी ऐसा जानना है जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब पे, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, तो उसमें जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो है 635 टू 630 के आसपास। एंड फॉर ओबीसी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 630 से 625। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 600 टू 610। एंड एससी के लिए 560 मार्क्स, एसटी के लिए 440 मार्क्स, वीजे के लिए 600, NT1 के लिए 585 मार्क्स, NT2 के लिए 620 मार्क्स एंड NT3 के लिए 630 मार्क्स। ये सारे मतलब इस मार्क्स पे जो लास्ट कैंडिडेट को एडमिशन मिल सकता है वो मैंने आपको बता दिया। एंड ये मार्क्स जो है वो थोड़ा बहुत डिफ़र कर सकता है, 5 to 10 मार्क्स, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारा एनालिसिस भी किया है कि कितनी सीटें हैं एंड इस साल ये SML पे कितना रैंक है एंड लास्ट ईयर इतने SML पे कितना रैंक था एंड कितना मार्क्स था, तो उसको सब कुछ को सब चीज़ों को कंसिडर करके मैंने ये वीडियो बनाया। तो ये सारे कट ऑफ थे गवर्नमेंट कॉलेजेस के, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो जनरल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो है 600 मार्क्स एंड फॉर ओबीसी 598 मार्क्स एंड फॉर एससी 540 मार्क्स, फॉर एसटी 400 मार्क्स, फॉर वीजे 535 मार्क्स एंड फॉर NT1 563 मार्क्स एंड फॉर NT2 595 मार्क्स एंड फॉर NT3 605 मार्क्स। तो अभी ये सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ हैं, इससे पहले मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ बता दिए। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, अगर इससे आसपास आपके मार्क्स जो हैं लाए कर रहे हैं, 5 to 10 मार्क्स का वेरिएशन है, तो आप के चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड अगर इससे ज़्यादा मार्क्स है तो 100% आपको एडमिशन मिलेंगे। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि आपके एडमिशन मिल सकता है नहीं मिल सकता है और भी किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट, तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। एंड और भी डाउट कुछ भी आपको अगर नहीं पता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।